दोस्तों आज की कहानी है बहू नहाकर खाना खाया करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज काम में कुछ ज्यादा ही देर हो गई, पेट में भी सुए दौड़ रहे हैं, मन ही मन बड़बड़ाते हुए राधा ने घड़ी की ओर देखा तो 12 बजने को थी। काम समेट कर सूर्य को देखा तो वह अपनी दादी वर्षा जी के साथ खेल रहा था। जल्दी जल्दी कपड़े निकाल कर नहाने जा ही रही थी कि वर्षा जी ने आवाज दी कि सूर्य ने पोटी कर ली ही, आकर साफ कर जाए। राधा ने फिर कपड़े पहने और बाथरूम से आकर सूर्य का डायपर चेंज करके खाने लगी तो वह रोने लगा, कब से खेल रहा है, काफी देर भी हो गई है, शायद भूख लगी होगी, पहले दूध पिला दे फिर नहा लेना। वर्षा जी टीवी देखते हुए बोली। राधा ने सूर्य को दूध पिलाया तो वह सो गया। अब तक राधा का भूख के मारे बुरा हाल था, मन तो किया कि किचन में जाकर कुछ खा ले, पर वर्षा जी के डर से उसकी हिम्मत न हुई, इसलिए सुप साप नहाने चली गई। ऐसे तो राधा की शादी एक संपन्न और जाने माने परिवार में हुई है, पर वर्षा जी पुराने विचारों को मानने वाली महिला थी। वैसे तो राधा को खाने पीने की घर में कोई रोक टोक न थी, पर कुछ नियम जो वो खुद भी करती थी और अपनी बहू राधा को भी शादी के दूसरे दिन ही समझा दिए हे। उन नियमों में एक ये भी था कि खाना तो क्या साय भी बिना नहाए नहीं पीना है। शुरू के 2 सालों तक तो सब ठीक था, राधा सुबह उठते से ही नहा लेती और तैयार होकर ही अपने कमरे से निकलती, उसके बाद ही घर की ओर काम करती, मन हुआ तो कुछ खा भी लेती, पर समस्या सूर्य के आने के बाद शुरू हुई। राधा रोज ही सुबह सुबह नहा लेती, कई बार उसके बाल भी न सूख पाते और सूर्य को दूध पिलाना पड़ता, जिससे सूर्य को जरा में सर्दी लग जाती। ठंड के भी दिन थे, डिलीवरी के बाद राधा का भी शरीर कमजोर था, उस पर सुबह सुबह नहाने से उसे भी ठंड लग जाती। माँ को सर्दी हो तो दूध पीते बच्चे को भला कैसे बसाया जा सकता है। सूर्य के बार बार बीमार होने से डॉक्टर ने भी माँ को सुबह जल्दी न नहाने की सलाह दी। रोहन और ससुर जी दोनों को ही सुबह काम पर जल्दी निकलना होता था, या तो वर्षा जी खुद खाना बनाए या राधा को किचन में जाने की परमिशन दे। आखिर वर्षा जी को भी न नुकुर करते हुए राधा को बिना नहाए किचन में जाने की रजामंदी देनी ही पड़ी। उनके पास कोई रास्ता भी न था, पर एक शर्त थी कि खाना बिना नहाए बनाया जा सकता है पर खाया नहीं जा सकता। राधा नहा कर ही खाना खाएगी, भूख को भला कैसे रोका जा सकता है। ऊपर से बच्चे को दूध पिलाए और खुद समय पर खाना न खाए तो दूध भी ठीक से न निकलता, जिससे सूर्य भी पेट न भरने से अब सिड़सिड़ा होता जा रहा था। वर्षा जी के रोब के चलते रोहन में भी माँ का विरोध करने या सवाल जवाब करने की कभी हिम्मत न हुई। वह हमेशा राधा को ही एडजस्ट होने की नसीहत दे डालता। आज राधा नहाकर निकली तो तुरंत किशन की ओर भागी। वर्षा जी तो पहले ही खा चुकी थी, अब सिर्फ राधा ही बसी थी।
पर जैसे ही सब्जी का बर्तन देखा तो वहां खाली था, चावल भी न, रोटी भी सिर्फ एक ही बसी थी। जब नहाने गई थी तब तो सब्जी और चावल थे। वर्षा जी के पास पहुंची तो मौसी सास का लड़का खाना खा रहा था और वर्षा जी बड़े प्यार से उसे परोस रही थी। आंखों में आंसू लिए राधा वापिस लौट आई। सुबह से लगातार काम में लगी थी, एक कप चाय भी नहीं पी थी और अब खाना भी खत्म, अपने लिए दोबारा बनाने की हिम्मत न थी। एक रोटी अचार के साथ खाकर ही संतुष्ट हो ली। मन ही मन खूब रोने की इच्छा हुई। मौसी सास का लड़का यहीं पास के पीजी में रहता है। वर्षा जी आए दिन उसे घर बुला लेती हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि वो आने वाला है। अगर पहले बता दिया होता तो उसके लिए भी खाना बना लेती, साथ में ही बन जाता, पर हर बार खुद ही संतुष्ट हो जाना। आखिर कब तक? राधा ने ठान लिया, अपने लिए खुद ही आवाज उठानी होगी, वरना वो खुद को ही खो देगी। वह दूसरों की तरह बेसारी बहू नहीं बन सकती। अगले दिन रविवार था। रोहन ने नाश्ते के लिए राधा को आवाज दी, पर राधा ने जानबूझकर अनसुना कर दिया। रोहन की आवाज सुनकर वर्षा जी आकर बोली, बहू सुनाई नहीं देता क्या? रोहन कब से आवाज दे रहा है? हाँ माँ जी, सुन लिया। उनसे जाकर कहिए पहले नहाए, उसके बाद ही नाश्ता मिलेगा, राधा ने बेपरवाही से कहा। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? लड़के कब से नहाकर खाने लगे? लड़कों का तो सब सलता है। वर्षा जी जोर से बोली, अब तक रोहन भी कमरे से बाहर आ चुका था। क्या हुआ माँ? देख तेरी बीवी तुझ पर कैसे हुक्म चला रही है। वर्षा जी ने राधा को आंखें दिखाते हुए कहा, अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? जैसे मैं नहाकर खाती हूँ वैसे ही अब से घर के सभी नहाकर खाएंगे। राधा ने कहा, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? वैसे भी माँ भी तो नहाकर ही खाती हैं, तो तुम क्यों नहीं माँ की तरह नियम रख सकती हो? रोहन राधा को डांटते हुए बोला, हाँ कहने को तो वो नहाकर खाती हैं, पर मम्मी जी काम ही क्या होता है? सुबह उठकर सिर्फ नहाना ही तो है, पर मैं सुबह से ही किचन में लग जाती हूँ। इस बीच सूर्य को भी मुझे ही देखना होता है। उसके साथ खेलने वाले तो सब हैं, पर उसका डायपर चेंज करने वाला भी घर में कोई नहीं। आधा दिन हो आता है, कितनी भी भूख लग गई हो पर कुछ खा नहीं सकती। कोई पूछता तक नहीं है कि भूख तो नहीं लगी। सही नाश्ता तो दूर, खाने का टाइम भी निकल जाता है। ये सब सिर्फ मैं ही क्यों करूं? अगर नियम है तो सभी घर वालों के लिए हो, उसमें तुम और पापा जी भी आते हो, वरना परंपरा के नाम पर ये पुराने और जबरदस्ती के नियम मुझसे न किए जाएंगे। कहते कहते राधा के आंसू निकल पड़े। रोहन की नजरें शर्म से झुक गई। कैसा पति हूँ मैं? पलकों पर बिठाने का वादा करके तुम्हें ब्याह कर लाया था, पर कभी तुम्हारा सुख दुख या पीड़ा कभी समझने की कोशिश ही न की। रोहन ने करीब आकर राधा से कहा। वर्षा जी को भी मन ही मन गलती का एहसास हो सला, पर कुछ बोल न सकी। सुप साप
वहाँ से चली गई। अगले दिन जब राधा किशन में पहुँचे तो वर्षा जी ने साय का कप राधा की ओर बढ़ाते हुए कहा, पहले साय नाश्ता कर, उसके बाद ही और काम देखना। आज सास बहू दोनों ही बिना नहाए साय की सुसुकियों का मजा ले रहे थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।